Hello students, how are you? The lesson is incomplete, I know that. The lesson name is Dick Whittington and his cat. See the story of Dick Whittington and his cat. We have studied till the Lord is calling back to him. And he goes again where he worked in Mr. Fitzwarren Hope. See here, starting from here, one day he called his household together. I am sending a ship to the African coast to trade. He said, would you of like to send something of yours on it? You can then share in the profits if the voyage is successful. Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own, Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly. And Dick replied, only my cat. एक दिन क्या होता है students? घर में ही लोग होते हैं, बातें करते हैं और मिस्टर फिट्ज़वॉरन बोलता है कि मुझे मेरी शिप को अफ्रीकन कोस्ट में भेजना है. क्या करने के लिए? ट्रेड मीन्स व्यापार. और पूछता है, क्या तुम कुछ भेजना चाहते हो? तो अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग एक शेयर कर लेंगे. ठीक है, कब शेयर करेंगे? जब वोयाज है सक्सेसफुल. मीन्स जब वो शिप सक्सेसफुली वहाँ पहुँचेगा, हमारे गुड्स सेल हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे. एवरीवन प्रोड्यूस समथिंग एक्सेप्ट फॉर डिक, यानी कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट किया ताकि वो सेल हो जाए. लेकिन डिक के पास क्या था? कुछ भी नहीं था. मिस्टर फिट्ज़वॉरन पूछता है उसे कि तुम कुछ भेजना चाहते हो? तो डिक बोलता है, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, लिविंग माई कैट. तो कैट के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है. Then let your cat go on the ship. फिर said Mr. Fitzwarren. यानी Mr. Fitzwarren क्या बोलता है कि ठीक है, तुम अपने cat को भेजो. His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. But her father said, no, it must be his, not something belonging to someone else. लेकिन वो अपने cat को भी भेज देता है और खुद भी जाता है. लेकिन उसकी जो डॉटर, नेम क्या है डॉक्टर डॉटर का मिस्टर फिट्ज़वॉरन के? अलाइज उसके लिए कुछ भेजती है और वो लोग चले जाते हैं. लेकिन वो मिस्टर फिट्ज़वॉरन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो द डिक फेस्ड हिज कैट एंड सेड गुड बाय टू इट सैडली. द कैप्टन ऑफ शिप वॉज डिलाइटेड फॉर द कैट वॉज एक्सेलेंट माउजर एंड सो ही हैड नो ट्रबल विथ द रेट्स एंड माइज हिज वॉयज. कैट को भी ले जाना ज़रूरी था. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि वो कैट में शिप में भी बहुत सारे माउजर्स, यानी कि जो चूहे पकड़ते हैं, बहुत सारे चूहे हैं जो वो कैट हेल्प कर सकती है उसे पकड़ने के लिए. आफ्टर सम मंथ्स द शिप अराइव द प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट. कुछ महीनों बाद वो पहुँच जाते हैं. प्लेस क्या है? बारबरी. वेयर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिफ्ट. द कैप्टन सेंड अ मैसेज टू द किंग to say he had fine goods for sale and he was invited to the place to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before captain's eyes he ate all the food. The captain was astonished and asked if this was the normally happened. See students, यहाँ क्या होता है? कुछ महीने बाद शिप बारबरी पे पहुँच जाता है और मैसेज मिल जाता है कि वो हमारा गुड सेल हो चुका है, यानी कि बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है. और उस खुशी में वो लोग क्या करते हैं? एक शानदार राजा रानी यानी किंग एंड क्वीन यानी उनके यहाँ पे दावत रखते हैं, फीस्ट यानी दावत रखते हैं, और वो लोग वहाँ खाने के लिए चले जाते हैं. लेकिन उनके जो डाइनिंग टेबल पे वो जो खाना रखा हुआ था, उसके इर्द गिर्द कौन घूम रहा था? चूहे घूम रहे थे. रेड्स एंड माइज यानी कि चूहे चूहियाँ घूम रहे थे. बिफोर द कैप्टन साइज, जब तक वो कैप्टन देखे कि वहाँ पे सब ठीक है, मैं किंग और क्वीन को बुलाता हूँ खाने के लिए, सबको बुलाता हूँ, तब तक क्या हो जाता है? वो पूरे एकदम बेकार कर देते हैं वो खाना. Alas, yes, came the reply. The country is suffering from plague of rats and mice, and we cannot get rid of them.
क्या होता है, फिर अलास ये ऐसे ये सब रिप्लाई होते हैं, ये क्या हो गया, पूरा खाना हमारा बर्बाद हो गया, अब हम क्या खाएंगे, ये चूहे लोगों ने हमारा खाना बर्बाद कर दिया है। फिर एक तो दूसरे कंट्री से आए हैं, ऊपर से इतना ट्रबल, प्लेग यानी ट्रबल, यानी कि इतनी मुसीबतों से ये लोग हमारे यहाँ आए हैं, और हम लोगों ने दावत रखा उसमें से भी हमको इन लोगों से छुटकारा नहीं मिलेगा। आई थिंक आई मे हैव अ आंसर ऑन माई शिप, सेड कैप्टन, बट एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। यानी कि कैट भी गई थी वोयाज में, तो कैप्टन देखता है कि वो बिल्ली जो कैट है वो पूरे वोयाज यानी कि शिप के पूरे चूहे को खा लेती है। लेकिन इस ये देखकर कैप्टन की आंखें खुलती है और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने ये पैलेस में मैं एक कैट को लाता हूँ। मोर फूड वॉज लेड आउट द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर। द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड किलिंग हिज एट लीस्ट द डजन बिफोर दे स्कैटर्ड। और पाउंस यानी झपटना, बहुत ज़ोर से झपटी, कैट को बुलाया और उधर देखा चूहे लोग थे, माउस एंड रैट्स, और वो पूरे झपट के उन्हें खा लेते। कम से कम कितने खाए, डजन्स, और खा लिए उन्होंने। एवरी वंस डिलाइटेड एंड क्वीन आस्ट व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल। अब क्वीन तो बहुत खुश हो गई कि हाँ चलो हमारा खाना बर्बाद तो हुआ लेकिन ये चूहे लोगों से अब छुटकारा मिल चुका है, और पूछती है कि इनका नाम क्या है। तो नेम ऑफ द कैट इज पुस। पुस इज द नेम शी आंसर्स टू द कैप्टन सेड। एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुस पुस द कैट वेंट ओवर टू हर पोर्ट। यानी कि जब क्वीन पुस पुस ऐसा बुलाती है उसे, तो वो म्याऊं ऐसा आवाज़ निकालती है। द क्वीन वॉज लिटिल अलार्म्ड एट फर्स्ट एज शी हैड सीन हाउ फियर्सली द कैट हैड अटैक द रैट्स एंड माइस, बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एन एग्जियस। पुस इज वेरी फ्रेंडली विथ पीपल ही सेड एंड वुड सून गेट रिड योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस। क्या होता है, इस कैट से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। कौन बोलता है, ये कैप्टन बोलता है, मुझे पता है ये बहुत ही हमें इन सब चूहों से छुटकारा दिला देगी। तो क्वीन क्या होती है, वो कैट को देख के खुश हो जाती है। आई वुड ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल सेड द क्वीन। मैं कौन है जो ये कैट को पाला हुआ है, मैं उसे बहुत सारे पैसे देना चाहता हूँ, मतलब उसे मैं बहुत खुश हूँ उससे। सो द कैप्टन बिगन बार्गेनिंग एंड इट वॉज एग्रीड that the king would buy the whole cargo. Cargo means जो goodwill होता है, पूरे goods उसे बोलते हैं cargo, from Mr. Fitzwarren's ship to pay fine price for it and for the cat along the king and pay 10 times and the sum again. तो captain agreed हो जाता है, ठीक है मैं, मुझे पता है ये cat किसका है, आप उसे पूरा ये cargo यानी कि जो goodwill है, goods हैं, वो पूरा मिस्टर फिट्ज़वॉरन को 10 दुगना वो देना चाहता है। When the ship came back to the port of London and captain showed Mr. Fitzwarren gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of cat and merchant sent for Dick. From now the Dicks, he said, we should all call you Mr. Dick Whittington for you are rich man. मिस्टर फिट्ज़वॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। अब कैट का प्राइस तो जो मिस्टर फिट्ज़वॉरन का कार्गो या जो गुड्स था जिन्होंने उतना सेल किया था, जितना उनको प्रॉफिट हुआ था, उससे 10 गुना ज़्यादा कैट को तोहफा मिलता है। और वो कैट किसका था, मिस्टर ये डिक विटिंगटन का था। तो उनको ये पूरा कैट का पूरा प्राइस दे देते हैं डिक को, क्योंकि वो डिक का कैट था। अब लोग उन्हें क्या बुलाने लग गए, मिस्टर विटिंगटन, यानी कि बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला और वो क्या बन गया, रिच मैन। मिस्टर फिट्ज़वॉरन देन पेड हिम ऑल द मनी कैप्टन ही हैड रिसीव फॉर द कैट। जितना भी मिला था वो सब डिक विटिंगटन को मिल गया। फ्रॉम टाइम ऑन डिक वर्कड विद मिस्टर फिट्ज़वॉरन एंड बिकॉज ही सक्सेसफुल मर्चेंट हिमसेल्फ ही मैरिड मिस्टर फिट्ज़वॉरन डॉटर अलाइस एंड देयर टाइम्स 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also knighted by the king and became Sir Richard Whittington, and he was not only famous but he was popular too.
for his always help the poor with his money. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren to the story of his cat and how the bells of London he called him back when he was only a poor boy. Turn again, Whittington, the worthy citizen, Lord Mayor of London. लेकिन क्या होता है, तभी से लेकर मिस्टर फिट्ज़वॉरन के नज़र में बहुत वो सक्सेसफुल मर्चेंट यानी कि बहुत अच्छा व्यापारी वो बन गया। उन्होंने क्या करवाया, मिस्टर फिट्ज़वॉरन ने अपनी बेटी अलाइस जो स्वयंवर होता है, उस स्वयंवर में 3 times सिलेक्ट हुए हैं, कौन, डिक विटिंगटन। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी की शादी अपने दामाद यानी कि मिस्टर फिट्ज़वॉरन डिक विटिंगटन से करवा दी गई, ठीक है। और उन्हें कौन सी नाइटेड यानी कि सूरवीर की पदवी भी मिली, यानी कि वो राजा भी बन गया उस एरिया का, लंदन का। और ऐसा ही नहीं कि वो उन्हें घमंड आ जाए, उन्होंने बाद में क्या किया, लोग गरीब लोगों की मदद भी की। व्हेन ही वाज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी कि जब वो बूढ़ा हुआ डिक विटिंगटन, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि नाते पोते को भी वो अपने कैट की स्टोरी बताते हैं कि वो कैट की वजह से मैं इतना अमीर बना। तो स्टूडेंट्स, हमको ये स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि हमें समय का वेट करना चाहिए, आने वाले समय पे हमारा अच्छा ही होगा, बस हमें बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। ओके, द एक्सरसाइज आई एम गिविंग यू एंड फोटोज़ और वीडियोज़। थैंक यू।